नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल आयंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास हमारी होगी वो होगी क्वार्क एक्सप्रेस के पेज मेनू की क्लास। और इससे पहले हमने फाइल मेनू और एडिट मेनू और स्टाइल मेनू और उसके बाद फिर हमने आइटम मेनू के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में बताया हुआ है। और आज की जो क्लास होगी वो होगी पेज मेनू के बारे में और इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल आयंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दे रखे इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल आयंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस पेज मेनू में कौन कौन से सब मेनू हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा हुआ था पहले कि क्वार्क एक्सप्रेस को हम लोग ओपन करते हैं और हमारा क्वार्क एक्सप्रेस ओपन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि क्वार्क एक्सप्रेस ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फाइल, एडिट, स्टाइल और आइटम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज मेनू पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक पेज बनाना होगा। तो पेज के लिए हमने फाइल पर क्लिक किया, फिर न्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। तो डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी सेटिंग्स अपनी दे देते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारा पेज मेनू करके तैयार हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारा पेज मेनू यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। दोस्तों पेज मेनू में आपके कितने सब मेनू है देख लीजिए आप। इंसर्ट है, डिलीट है, मूव है, मास्टर गाइड है और सेक्शन है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, फर्स्ट है, लास्ट है और गो टू है और फिर बाद में डिस्प्ले है। दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट मेनू पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है इंसर्ट। इंसर्ट हमारा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इंसर्ट से क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई पेज एक पेज बनाया और इसके नीचे हमको दूसरा पेज चाहिए होगा या इसके ऊपर हमको दूसरा पेज चाहिए होगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पेज को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग पेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इंसर्ट पेज, यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट पेज वन यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी कि एक पेज हम इंसर्ट करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है बिफोर पेज, फिर दिया हुआ है आफ्टर पेज वन और फिर एट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि हम जो पेज यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं वो इसके ऊपर पहले करना है या फिर इसके बाद में या फिर सबसे आखिरी में। तो दोस्तों ऐसा कि हम लोग इसके बाद में करना चाह रहे हैं तो आफ्टर पेज वन, तो इस जो पेज हमारा करंट में पेज दिख रहा है इसके बाद हम लोग पेज इंसर्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों हम ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके करेंगे और उसके बाद हमें एक दूसरा नीचे पेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा इंसर्ट करने का तरीका। फिर देखें, हम फिर से बता रहे हैं आपको कि पेज पे गए, इंसर्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट के बाद ओके कर दिया वन और आफ्टर फिर हमने यहाँ पर वन कर दिया। आप देखेंगे तो हमको एक पेज यहाँ पर और इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो रहा इंसर्ट मेनू का पहला ऑप्शन। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर हमने टाइप कर लिया पेज वन और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पेज वन और दूसरा हो गया कंट्रोल डी किया तो बॉक्स का डुप्लीकेट हो गया और इसे खिसका करके हम दूसरे पेज पर लाते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने टू और उसी के बाद हम फिर कंट्रोल डी करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, यानी कि डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं खिसका करके बॉक्स को, यहाँ पर लिख दिया हमने थ्री। तो दोस्तों ये तीन पेज हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के मेनू के बारे में। जो इम्पोर्टेंट मेनू है वो हमारा है डिलीट। तो दोस्तों अगर डिलीट करते हैं तो हम कोई जो भी पेज हम डिलीट करना चाहें तो वो पेज हम यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर आप देखेंगे कि पेज पे गए, डिलीट का हमने क्लिक किया, यहाँ पूछ रहा है डिलीट पेज। ठीक, तो कौन सा पेज हमें डिलीट करना है। अगर बाय द वे हम करना चाहते हैं टू पेज तो यहाँ पर ओके किया और आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वन और थ्री पेज नंबर बचा है और दूसरा पेज नंबर यहाँ पर डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से इंसर्ट करते हैं पेज को और हमारा एक जो पेज है वो इंसर्ट हो गया है। और अब आप देखेंगे कि दूसरे नंबर का पेज हमारा इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर हमने फिर इसको कंट्रोल डी किया और यहाँ पर लिख दिया हमने टू, तो ये हमारा दूसरे नंबर का पेज हो गया। अब दोस्तों उसके आगे का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे
तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमारा पहले पेज के बाद वाला पेज है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है लास्ट पेज, तो लास्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले पेज पर हम लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रीवियस पर क्लिक करते हैं तो हम उसके पहले वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे तो हम गो टू पेज अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर जो हम थर्ड पेज पर जाना चाहें या फर्स्ट पेज पर जाना चाहें, या मान चलिए हम थ्री करते हैं, थर्ड पेज पर जाने के लिए हम लोग थ्री किया और ओके किया, हम सीधे के सीधे यहाँ पर थर्ड पेज पर पहुँच गए। अगर आप देखेंगे तो ऊपर का वन टू और थ्री पेज। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पेज मेनू के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस मेनू पर, और आपके यूजफुल जो सबसे ज़्यादा है इसका ऑप्शन वो होगा आपका इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, ये दो जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, और अब तक जो हमने बताया है वो क्या समझ में आया आपको, और अगर समझ में आया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ जानना चाहते हैं वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए मेनू के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दरखे तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में आगे नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज हमारा टेक्निकल आयंस, जिसे आप सर्च करके उसे लाइक कर लीजिए, उसे अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिए, साथ में इस चैनल को भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।